वाली मॉर्निंग है जी, मैं हूँ दीपिका रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। और आप बोलोगे क्या बात है दीपिका जी, तुम सच धज के। कोई नहीं, शाम को एक इवेंट में जाना है, डायरेक्ट ऑफिस से जाने वाली हूँ। ओके, सो मुद्दे की बात। कई बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो अननेसेसरी विदाउट एनी रीज़न आपके साथ हमेशा रूड रहते हैं और इंसल्टिंगली बिहेव करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप उनके साथ हमेशा पोलाइट हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, आप उनको खुश करने की कंटिन्यूसली कोशिश करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है ये एक इंसान ना मेरी लाइफ में खुश हो जाए, बस मेरी लाइफ सही हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपसे कभी खुश होते ही नहीं है। तो ये बात जान लीजिए कि इसमें आपका रोल कम और उनका रोल ज़्यादा है। इट नथिंग हैज़ टू डू विथ योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल अबाउट देयर पर्सनैलिटी और क्या कारण होते हैं कि लोग इस तरीके के रूड और इंसल्टिंग बिहेव करते हैं। सबसे पहला कि ये लोग निगेटिव होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। भाई अपनी लाइफ को लेकर निगेटिव है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके साथ ये पॉजिटिव रहेंगे अपने उस एटीट्यूड की वजह से। मतलब इनको सिर्फ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ही नज़र आती है, उस वजह से ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे, आपके ऊपर निकालेंगे। दे लैक अंडरस्टैंडिंग, दे लैक एम्पथी, मतलब कि समझना ही नहीं है, समझ में इनको सिर्फ अपनी तकलीफें आती हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए, मुझे मतलब सब कुछ मुझे चाहिए, मैं हूँ जो हूँ। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपने ये कैसे करके अचीव किया, कुछ नहीं जानना है उनको। ऑल दे नो दैट आपके पास बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। एंड इन सारे एटीट्यूड्स की वजह से ये हो जाते हैं लाइफ में इनसिक्योर एंड जेलस, जिस वजह से ये आप नहीं हो। बहुत सारे लोग जो इनकी लाइफ में आएंगे उनके साथ ही ऐसा बिहेव करते हैं और लोग इनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि इनको इनके जैसा एक इंसान मिल जाए, क्योंकि वैसे इनको कोई पूछ नहीं रहा। इनको अपने जैसा एक इंसान मिल जाता तो भाई तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, दोनों मिलके फिर जो मचाते हैं तबाही। तो देखिए भाई, मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर ना लें आप, और ये बात जान लीजिए कि इनको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कांट डू दैट। एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा कि आप ये समझ जाएंगे कि भाई ये इसने अपनी तो लगा रखी है, आपने जो इनको दिया ये उसकी भी लगा देंगे, मतलब खुद डूब रहे हैं, आपका सब लेके भी डूबेंगे, आपको भी लेके डूब सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको ऐसा करने देंगे क्या। इसलिए कोशिश करें ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, जो भी वो कहते हैं उसको दिल पे ना लें, है ना। स्टे काम, जस्ट इग्नोर। क्यों आप ऐसे जगह पे अपनी एनर्जी लगाएंगे जहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, मतलब समझदार इंसान के साथ आप अपनी एनर्जी लगाएं ना यार, ऐसे जगह पे एनर्जी देके क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू गिव समथिंग टू दिस पर्सन, गिव देम ईदर अ डो मैट और अ प्यूकिंग पॉट और अ पंचिंग बैग एंड टेल देम कि अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालिए, जो भी गंदगी है मन में यहाँ निकालिए, मेरे ऊपर नहीं, मुझे माफ़ कीजिए। अपना ध्यान रखिए, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम।